बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए आलू अंडे के कबाब की रेसिपी बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने हाफ के जी आलू लिए और इन्हें बॉईल कर लिया, और अब हम उन्हें अच्छे से ऐसे मैशर से मैश कर लेंगे। अब यहाँ आलू हमारे मैश हो चुके हैं, ये देखिए। अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे पास यहाँ दो उबले हुए अंडे हैं, मैं उनको भी यहाँ ऐसे ये रख के तो मैशर की हेल्प से ही ऐसे कर लूँगी अच्छे से। एक अंडा डाल के तो मैंने इसे मैशर से ऐसे मैश कर लिया है। अब मैं यहाँ दूसरा भी डाल लूँगी, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप दो अंडे डाल लें, आप तीन चार डाल लें। अब इसको भी ऐसे कर लेंगे अच्छे से। अंडे भी हमारे अच्छे से मैश हो चुके। दरमियाने साइज़ का एक प्याज लिया मैंने, इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है। प्याज डालने से आपके कबाब बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं। तीन हरी मिर्चें, और इन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दिया मैंने कटा हुआ। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। उसमें यहाँ मेरे पास ये देखिए 1 टीस्पून चिल्ली फ्लिक्स हैं, 1 टीस्पून ही मेरे पास रेड चिल्ली पाउडर है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट होगा। थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, ये देखिए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, ये देखिए। ये मैंने घर में बनाया है, बहुत ज़्यादा ना मोटा मोटा रखा है और ना ही बहुत बारीक बारीक पीसा हुआ है। हमारे कबाब टूटे नहीं, बाइंडिंग के लिए हम इसमें यहाँ ये देखें कॉर्नफ्लोर डालेंगे 1/2 कप, ये 3 से 4 टेबल स्पून ही बनता है, ये डालेंगे कॉर्नफ्लोर या फिर कॉर्न स्टार्च। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है आलू और अंडे का, देखिए कितना ब्यूटीफुल लुक दे रही है। ये जो हमने इसमें अंडे डाले हैं ना ऐसे मैश करके, वो तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब मैंने हाथों को ये देखिए हल्का सा ऑयल लगा लिया है। अब हम यहाँ से बैटर लेके तो कबाब बनाते हैं। हम इसे हल्का सा प्रेस कर लेंगे। देखिए हमारा कबाब तैयार हो चुका। मैं सारे कबाब बना चुकी है, अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाबों की साइड हम चेंज कर लेते हैं। ये देखिए बहुत प्यारा कलर इन पे आ चुका है। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और मैं आपको शो भी करवाती हूँ कि कैसे बने हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्यारे हमारे कबाब बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हमारे अंडे और आलू के कबाब। बहुत मज़े की और यूनिक रेसिपी है, बाहर से बहुत क्रिस्पी हैं और बहुत मज़े के हैं। स्पाइसेस को आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया करें, रेसिपी जो भी हो। अब मैं आपको शो करवा देती हूँ, ये देखिए इसका कलर देखें। और ये हर कोई बना सकता है, टूटने का कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। ये देखिए अंदर जो छोटे छोटे पीस एग के नज़र आ रहे हैं, क्या शानदार उनसे लुक बन रही है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की रेसिपी है। ऐसी ही इजी और सिंपल रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। बहुत मज़े के बने हैं, बहुत क्रिस्पी हैं बाहर से, अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। तो आप मुझे एक प्यारा सा कॉमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।